हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्राई सिटी प्रॉपर्टी ग्रुप हमारे चैनल में। और मेरा नाम संदीप कुमार है, मैं बॉलीवुड एसेंशिया से हूँ। और मैं आज आपको ना एक 3 BHK फ्लैट्स बोथ साइड ओपन अपार्टमेंट आपको दिखाने वाला हूँ। आओ अभी आप चलते हैं हमारे सोसाइटी में। हेलो दोस्तों, अभी मैं आपको जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके बारे में आपको हल्का डिफाइन करूँगा। हमारा टोटल प्रोजेक्ट 3 BHK है, S+4 का कॉन्सेप्ट है, लो राइज है विद लिफ्ट है। टोटल प्रोजेक्ट 7.5 एकड़ में है जिसमें आपके 356 यूनिट्स हैं। और अभी आप देख सकते हैं ये हमारा एंट्रेंस है। और अगर नियर बाई लोकेशन की अगर इसकी बात करें तो नियर बाई लोकेशन मेन जो अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे है उससे हार्डली 600 से 700 मीटर है। अपनी PR7 एयरपोर्ट 200 फीट की जो रोड है उससे कनेक्टिविटी है। ओल्ड अम्बाला कालका रोड है उससे कनेक्टिविटी है। प्लस इसके अलावा इसी रोड पे आगे जाने के बाद 100 एकड़ में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा ग्रीन पार्क आना है। और सोसाइटी के अंदर की भी अगर बात करें तो इसमें आपके 4 ग्रीन पार्क हैं जिसमें से एक मेन पार्क है आपका, इसमें आपका क्लब हाउस है। क्लब हाउस में अगर बात करें तो G+2 का कॉन्सेप्ट है। नीचे आपकी कोई भी आपने अगर गैदरिंग करनी है वो आती है। फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों के लिए इंडोर्स गेम और सेकंड फ्लोर पे जिम, उसी के साथ में आपका स्विमिंग पूल आता है। अभी आप सोसाइटी का अंदर का देख सकते हैं, ऑलरेडी डेवलप्ड है। और इसके अलावा इसी मंथ हमारी पोजेशन है, रेडी टू मूव प्रोजेक्ट है, कोई हवा में बातें नहीं है। जो एक्चुअल ग्राउंड लेवल पर वही मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है जी। अभी इसके बाद हम देखते हैं हमारे इंटरनल जो रोड है सारी 40 फीट की है, प्लस 12-12 फीट का दोनों साइड आपको बरन मिलता है। तो दो टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 64 फीट का है आपका। जो स्टिल्ट हमारी सारी पार्किंग रहेगी आप देख सकते हैं, तो स्टिल्ट पार्किंग की वजह से जो आज का चंडीगढ़ का मेन इशू है पार्किंग का है, तो इस वजह से हमारी सोसाइटी के अंदर पार्किंग की कभी भी इन फ्यूचर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अभी जो मैंने आपको बताया था क्लब हाउस, तो ये आपका सामने क्लब हाउस है, इसमें आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। नीचे आपने कोई भी गैदरिंग वगैरह करनी है, फर्स्ट फ्लोर पे बच्चों के लिए इंडोर्स गेम और सेकंड फ्लोर पे जिम, और उसी के साथ में आगे आपका स्विमिंग पूल आता है। प्लस आपका जो मेन ग्रीन पार्क मैंने बताया था वो आप देख सकते हैं सामने 13,000 स्क्वायर फीट में है आपका, एल शेप में है। उसको एक बार अभी देखते हैं। दोस्तों आपको पता है मतलब हर किसी चीज़ का ना मतलब पहले से ही पता लग जाता है। आप पार्क का जो मेंटेनेंस का जो देख सकते हैं कि किस तरह से मतलब इसको ना मेंटेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं पूरा एल शेप में आपका ग्रीन पार्क है, 13,000 स्क्वायर फीट में है आपका। ये आपका मेन पार्क रहेगा। इसके अलावा आपके 3 पार्क और हैं जिसमें बच्चों के लिए झूले वगैरह हैं। और इसके बाद हम चलते हैं जी सैंपल फ्लैट में। ये आपकी एक्चुअल लॉबी है, इसमें आप देख सकते हैं आमने सामने सिर्फ 2 ही फ्लैट हैं, प्राइवेसी के अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट है। और आप देख सकते हैं ये आपकी ओटिस कंपनी की लिफ्ट आती है, जस्ट ऐसे इससे एग्जिट होती आप अपने घर के अंदर एंटर कर जाते हैं, ठीक है जी। आप वुडवर्क देख सकते हैं कितना मतलब ब्यूटीफुल है, वाइट कलर में है आपका। और इसमें आपका डिजिटल लॉक लगा हुआ है जो आपका 4 तरह से ऑपरेशनल है। नंबर 1 है फिंगरप्रिंट, प्लस उसके अलावा आपका है जी एक स्मार्ट की जो यहाँ पे लगेगी, सिंबल बना हुआ है। प्लस उसके अलावा आपके फिजिकल की जो नीचे लगती है 3rd, और 4th है जी आपका पासवर्ड। ये देखो जी, सबसे पहले एंटर करते ही अपना ड्राइंग एरिया आता है, 12x12 का साइज है। आप देख सकते हैं इसमें 10-सीटर सोफा लगा हुआ है और बड़ा स्पेशियस है। इसके साथ आपकी 5 फीट की बैल्कनी अटैच है। इसमें 4 सीलिंग LED लाइट आपको स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट के साथ प्रोवाइड करवा रहे हैं। प्लस आपकी AC फिटेड आप ऐसे इस टाइप से कर सकते हैं, यहीं पे आपका LED पैनल आएगा, ठीक है जी। उसी के अकॉर्डिंग आप देखो कितने अच्छे से डिजाइन आप कर सकते हैं। इसके बाद अपना डाइनिंग एरिया आता है जी, ये 12x14 का साइज है, 6 सीटर अभी लगी हुई हैं। तो इसके बावजूद आप देख सकते हैं कि अगर 8 सीटर भी अगर बनाए इसको
तो कितना स्पेशियस है, दाएं बाएं निकलने के लिए बड़ा स्पेस है। और ये इस तरह से आप ग्लास लगा के अपने हाउस को डिजाइन कर सकते हैं। प्लस ये एक्सेसरी जो हमने लगाई है दाएं बाएं, आप देख सकते हैं कितना अच्छा डिजाइन है। और इसी तरह से आप अपने हाउस को ना इतना ब्यूटीफुल बना सकते हैं। प्लस इसके अलावा आप देख सकते हैं आपको 5x6 का एज ए पूजा रूम, एज ए स्टोर रूम आप यूज कर सकते हैं। इसको ये आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। आप इसको अगर पूजा रूम बनाना चाहें तो वो भी बेनिफिशियल है, अगर स्टोर रूम बनाना चाहें तो वो भी बेनिफिशियल है। इसके बाद हम आते हैं जी अपना किचन की ओर। अभी क्या है कि मोस्टली कि जैसे गाड़ी के लिए गाड़ी का हर्ट इंजन होती है, सेम घर के लिए घर का जो हर्ट है वो किचन होती है जी। आपकी सारी खाने पीने की चीजें, आपकी हेल्थ से रिलेटेड सारी चीजें किचन से ही होके जानी है, ठीक है। इसके अलावा सर आप देख सकते हैं किचन में आपको कितना मतलब बेनिफिशियल और कितनी बढ़िया एसेसरीज आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है। इसमें आपको एक होब मिलेगा, आपको चिमनी इसमें प्रोवाइड करवाई जा रही है, इसमें साथ में आपको ब्लू स्टार का आरओ प्रोवाइड करवा जा रहा है। प्लस इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे का जो वुडन वर्क है ये सारा सॉफ्ट क्लोजर के साथ यूज किया है, और ये आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। प्लस ये आपका वॉशेबल है जी, ठीक है। और आप देख सकते हैं कपबोर्ड बिल्कुल ऊपर तक हमारी कवर्ड है। किचन का जो साइज है वो 7x10 है, और इसमें आप देख सकते हैं आप इसी तरह से आप अपना फ्रिज ऐसे सेट कर सकते हैं इसमें। इसी तरह से जो किचन की पार्टीशन है कितनी ब्यूटीफुल है, तो इसी तरह से आप कर सकते हैं। वैनिटी जो आपकी है जैसे माइक्रोवेव एक्सेट्रा जो भी अपनी एक्सेसरीज हैं उसके लिए बड़ी बेनिफिशियल है, ठीक है जी। और जो मेन जो कॉन्सेप्ट है अपने इंडिया में ना, खाना है पूरा मसालेदार, तो इस वजह से खाना किचन में पकड़ा होता है और स्मेल पूरे घर में फैली होती है। तो हमने इसमें एक्स्ट्रा प्रोविजन क्या दिया है, जैसे कई फ्लैट्स में आपने देखा होगा चिमनी या खिड़की का प्रोविजन होता है तो उससे स्मेल अपनी बाहर नहीं निकल पाती। तो बोथ साइड आपका फ्लैट ओपन है, मैं आपकी पीछे वाली बैल्कनी भी आपको दिखाऊंगा। उसके पहले मैं आपको ना ये बैल्कनी आपको दिखाता हूँ जो किचन के साथ अटैच है, जिससे आपकी ना पूरी स्मेल बाहर निकल सकती है, ठीक है जी। और इसके अलावा आप देख सकते हैं ये बैक का स्पेस है। तो बैक का स्पेस ऐसा है कि जैसे आपने कई सोसाइटीज में देखा होगा जो पीछे का बैल्कनियों का स्पेस है वो ना बड़ा नज़दीक होता है, हमारा जो ये डिस्टेंस है ये 25 फीट का है, जिससे आपकी प्राइवेसी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो सबसे वेल एंड गुड जो कहते हैं बात है अपनी, ठीक है जी। और आप देखें कि सेफ्टी पर्पज से आपका सिलेंडर का जो प्रोविजन है, सिलेंडर का प्रोविजन बाहर ही रखा है। प्लस इन फ्यूचर अगर ट्राई सिटी में गैस पाइपलाइन आती है तो उसके लिए हमने प्रोविजन करके दे दिया। ये आपका यहाँ पे वॉशिंग एरिया आता है जी, ठीक है। और आप देख सकते हैं जो नीचे का स्पेस है ये आपका गाड़ी निकालने के लिए या आपके इवनिंग वॉक मॉर्निंग वॉक के लिए अच्छे से यूज में आएगा, ठीक है जी। इसके अलावा हम जैसे ही अंदर एंटर करते हैं आपका किचन से लेकर के ड्राइंग एरिया तक रनिंग है। डाइनिंग एरिया जिसमें आपका आता है, प्लस आगे आपका ड्राइंग एरिया आता है, ठीक है जी। आप ऐसे ही मतलब ग्लास लगा के अपने जो फ्लैट्स है घर है उसको आप अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ऐसे ही झूमर लगा के बड़े अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं जैसे हमने एक्सेसरीज हमने लगाई हैं। प्लस इसके बाद आप देख सकते हैं जी आपका फर्स्ट बेडरूम आता है, इसका 11x12 का साइज है, और इसमें 4 सीलिंग LED लाइट सेम वही स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट के साथ हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। सेम झूमर आप लगा सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। प्लस इसमें आप देख सकते हैं जी हमने ना डिजिटल मिरर लगाया है, ठीक है जी। और इसमें 25 लीटर का आपको गीजर प्रोवाइड करवा रहे हैं, कॉलर की हमने फिटिंग करवाई है, ठीक है जी। ये वैनिटी वगैरह सेम, और वॉशरूम आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं जी कपबोर्ड। अब आप कपबोर्ड देख सकते हैं कितनी स्पेशियस है और ऊपर तक कवर्ड है प्रॉपर, और इसके साथ बैल्कनी आपकी बेडरूम के साथ भी अटैच है जो ड्राइंग रूम के साथ अटैच है। अभी हम बैल्कनी में आते हैं। बैल्कनी आप देख सकते हैं आपकी 5 फीट की है। प्लस उसके अलावा आपको ना सेफ्टी पर्पज से आप रोलिंग देख सकते हैं कि कितने अच्छी हाइट में आपको रोलिंग दी जा रही है, ठीक है जी। और आपकी ना जो बैल्कनी है आपकी बेडरूम के साथ भी अटैच है, प्लस आपके ड्राइंग एरिया के साथ भी अटैच है। यहाँ से आपके बोथ साइड ओपन फ्लैट है, ठीक है जी। अभी हम अंदर चलते हैं, अभी हम चलते हैं सेकंड बेडरूम की ओर। और तब तक मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया था 4 सीलिंग LED लाइट ये स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट के साथ,
तो स्मार्ट होम में हम क्या ऐड करके देते हैं वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जी। उसमें क्या है कि उसमें आपको ना जो स्विचेज वगैरह हमारे हैं तो इनके पीछे हमने ना एक टाटा का प्रोडक्ट यूज किया है, ताकि जिससे आप अपने घर की जो भी इलेक्ट्रिकल की जितनी भी सारी चीज़ें हैं, फ्रिज, एसी, गीजर, आर ओ एक्सेट्रा, तो उसको आप एक टाटा की ऐप के द्वारा कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज करो आप ऑफिस चले गए, आपकी एसी ऑन रहती है, आपने एसी ऑफ कर दी। सपोज करो आपने लाइट ऑन ऑफ करनी है, वो कर दी। और जो मिरर वगैरह है, वॉशरूम में लाइटिंग वगैरह है, स्मार्ट होम का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया था उसी के अकॉर्डिंग, वो सारी सेंसर के अकॉर्डिंग है। आप जैसे ही मिरर से बाहर निकलेंगे तो अगर आपको याद नहीं रहता है कि आपकी लाइट ऑन है वहाँ पे, तो आपकी लाइट ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, ठीक है जी। और इसके बाद हम आते हैं सेकंड बेडरूम की ओर। तो सेकंड बेडरूम आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। इसका साइज है जी अपना 10.5x13.5, और जिसी में सेम वही कपबोर्ड आप देख सकते हैं, ऊपर तक कवर्ड है और कितने स्पेशियस हैं, ठीक है। अभी कपबोर्ड के अलावा हम आपको बताएंगे सेम वही 4 सीलिंग LED लाइट स्मार्ट है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसी तरह से आप डिजाइन अपने बेडरूम को कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा अच्छी एक्सेसरीज हमने लगाई है, जैसे LED पैनल वगैरह आप यहाँ पे लगा सकते हैं, AC यहाँ पे फिटेड कर सकते हैं, और इसके साथ भी आपकी बैल्कनी अटैच है जी, जो बैक साइड वाली है, तो बोथ साइड ओपन फ्लैट है, तो जिससे आपका ना प्रॉपर वेंटिलेशन बना रहता है। सेम वॉशरूम में आपकी वही चीज़ें आ जाती हैं, वही डिजिटल मिरर आपका आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा 25 लीटर का गीजर आ जाता है जी, ठीक है। इसके अलावा आप वॉशरूम आप देख सकते हैं कितना स्पेशियस है। और इसके बाद हम चलेंगे जी थर्ड बेडरूम, मास्टर बेडरूम की ओर। जैसे ही हमने एंटर किया, साइज़ इसका सेम है 10.5x13.5, वही स्मार्ट होम के कॉन्सेप्ट के साथ। कपबोर्ड सेम आप देख सकते हैं, बिल्कुल ऊपर तक कवर्ड है। इतना स्पेशियस बेडरूम आप देख सकते हैं, कितना स्टैंडर्ड साइज़ है। पीछे की आप जैसे वॉल को आप इस तरह से कवर करवा सकते हैं, एक्सेसरीज आप देख सकते हैं, ये वुडन वर्क आप करवा सकते हैं, कितना मतलब ब्यूटीफुल है, वेल एंड गुड है। प्लस आपका साथ में वॉशरूम में सही वही चीज़ें आपकी आ जाती हैं, डिजिटल मिरर सेम एज इट इज़, 25 लीटर का गीजर, कॉलर की फिटिंग, और वॉशरूम भी आप देख सकते हैं इसका कितना स्पेशियस है, ठीक है। इसके साथ ही हम चलते हैं जी बैल्कनी की ओर। जैसे ही मैंने बताया था आपको, हमारी ना बैल्कनी बोथ साइड है, फ्रंट की साइड भी और बैक की साइड भी है। तो जैसे आप देखेंगे कि आपकी ना थर्ड बेडरूम के साथ बैल्कनी अटैच है, तो थर्ड बेडरूम के साथ मतलब कि आप देख सकते हैं कि आपका ना बोथ साइड ओपन फ्लैट है। तीनों बेडरूम के साथ बैल्कनी आपकी अटैच है, ड्राइंग रूम के साथ बैल्कनी आपकी अटैच है, प्लस किचन के साथ बैल्कनी आपकी अटैच है, जो सबसे प्लस पॉइंट है, ताकि आपकी ना पूरे घर की स्मेल बाहर निकल सके। और पीछे का स्पेस तो मैंने आपको ऑलरेडी पहले से ही बताया है। इसके बाद हम चलते हैं जी वापस अपने फ्लैट के अंदर। अभी मैंने आपको दिखाया 3 BHK अपार्टमेंट। तो आज की जो ये वीडियो है यहीं पर समाप्त होती है हमारी। तो इसमें जो अगर प्लस पॉइंट की अगर बात करें, तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मैं मेरे अकॉर्डिंग देखो जैसे इसमें मैंने आपको बताई